ये मुड़े हम हाईवे से जंगल की ओर। अब आपको देखने को मिलेगा दहशत भरा जंगल। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइल्ड जंगल ड्राइव में। मैं हूं आपका दोस्त अदीब, और अभी जो वीडियो बना रहे हैं वो है हमारे छोटे भाई फैसल। तो दोस्तों बात है कुछ ऐसी, अभी हम जा रहे हैं घर, और जैसे कि आपको पता है कि हम रोज़ जाते हैं घर अपने जंगल से होते हुए, और हो जाती है लगभग रोज़ रात ही हो जाती है। तो अभी आप देखेंगे जंगल नाइट ड्राइव, या कह लें बाइक राइड इन जंगल एट नाइट एट 9 PM। जी हाँ, 9 o'clock हो रहा है, आज हो गई है लेट। थोड़ा कुछ सामान लाना था, और देखते हैं आज ज़्यादा लेट होने पर क्या हमें नज़र आने वाला है क्या नहीं। नज़र ही अपना वही है, सेफ जंगल सेफ एनिमल। जी हाँ, अपना सेफली धीरे धीरे चलते रहेंगे, और घर जाना है, और इस जंगल से होकर जाना ही जाना है। तो रास्ते में जो वाइल्ड लाइफ मिलेगी वो आपको देखने को मिल जाएगी हमारी इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाया वो जल्दी से दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और रोज़ रात 8 बजे आपको वीडियो देखने को मिल सकती है। तो कोशिश है थी अपनी कुछ इस तरह जो आप देख रहे हैं जंगल को दिखाने की। तो शुरुआत हो गया है, ज़बरदस्त और ख़तरनाक जंगल है। जैसे ही मोड़ दिख रहे हैं आपको, कभी भी जंगल में मोड़ को आसानी से ना लें, क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पर कोई भी वाइल्ड लाइफ आपको मिल सकती है। जी हाँ, वाइल्ड लाइफ के साथ एनकाउंटर हो सकता है, वो भी क्लोज भी और डिस्टेंस में भी। तो देखते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, स्पीड अपनी वही रहती है 20 to 25 km/h की स्पीड बेस्ट। जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा यहाँ पर भी ठंडा होने लग गया है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये जंगल है, और आप शहर से थोड़ा सा भी हटते हैं तो खुली जगह पर थोड़ी ठंडी हवा आपको मिल जाती है, और ये तो अभी हल्की ठंडी हवा है। इससे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम, वैसे वैसे बहुत ज़बरदस्त ठंडी हवा मिलने वाली है, और वो कहाँ मिलेगी मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ा सा अल्फाज अगर गलत होते हैं मेरे तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि होंठ अभी सूखे हुए हैं हमारे, तो थोड़ा सा अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं। ओबे भैया, चूहा तो चूहा था तो आ गया होगा मोबाइल में अगर शायद, नहीं वो मेरे वाइज़र के आगे से निकला ना जस्ट एकदम, तो 3 बार हो गया था मेरे साथ कि यहाँ चूहा मिला। तो वही है ना, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ा जीव जो है वो डरा देता है। रात का समय है, ऊपर से अंधेरा है, डार्क एकदम, चांद है नहीं आज आसमान में, और अदरवाइज वरना उसकी रोशनी दिख जाती है चांद की। तो अब मैं थोड़ा सा केयरफुली चलता हूँ। हाँ, यहाँ पर जानवर कौन कौन से मिल सकते हैं, मतलब मौसम के हिसाब से क्या लगता है? मौसम के हिसाब से देखिए, गर्मी है, पानी पीने हर जानवर आ सकता है, या पानी पी के जा भी सकता है, या हो सकता है पानी किनारे बैठा हो, उसका मन हो अभी जाके निकल जाए रोड क्रॉस करता हुआ, क्योंकि उल्टे हाथ पर कोई नदी नहीं है, सीधे हाथ पर है एक नहर जो इस जंगल में वन्य जीव जंतुओं को पानी पहुंचाती है, और ये बहुत ज़रूरी है पानी जीवन के लिए, उतना ही जंगल के लिए भी। तो पानी, ये देखिए मैंने कहा था ना ये एरिया आ गया है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा हो जाती है खुली हुई। तो यहाँ हो जाते हैं हम शांत, क्योंकि ये घना इलाका है बहुत, और हाथी कहीं से भी क्रॉस हो सकता है। देखिए ड्रॉपिंग है ये, यहाँ से ना हाथी कहीं से भी आ जाते हैं। वो भाई कितने पिलर गिरा रखे हैं हाथियों ने, हाथियों के लिए ये पिलर है क्या? कुछ भी नहीं, वो बड़े से बड़ा पेड़ गिरा लेते हैं। सबसे बलशाली और ताकतवर जानवर जो है हाथी है,
उतने ही समझदार और शार्प माइंड भी, क्योंकि उसकी जो मेमोरी है बहुत ज़्यादा शार्प होती है, वो भूलता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जानवर कोई भी हो उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि हाथी कभी भूलता नहीं। अगर आप उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो मान लीजिए वो किसी और व्यक्ति ने बुरा व्यवहार करा होगा, वो उसका गुस्सा आप पर निकाल सकता है, क्योंकि आप उसकी नज़र में सिर्फ एक इंसान है। जी हाँ, उसे तो ये याद रहेगा कि पहले यहाँ बैंड पर अलर्ट हो जाते हैं, पहले चेक कर लेते हैं ना, नहीं है ना कुछ अभी तक तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। देखिए जंगल है, कभी भी कुछ भी सड़क पर आ जाता है, इसलिए धीरे धीरे चलें। और आपसे दो मीठी बातें हो जा रही हैं, और बातें करते करते कब घर पहुंच जाएंगे ये भी नहीं पता लगेगा, तो थोड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। आप लोग भी कमेंट करके अच्छा रिस्पांस देते हैं। हाँ, तो मैं एक्सपीरियंस बता रहा था कि इंसान को वो कभी नहीं भूलता है हाथी, तो इसलिए कोई सा भी जानवर हो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है हमें। और वाइल्ड लाइफ सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है, जंगल सेफ्टी, जी हाँ, कोई भी पेड़ पौधा उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यही हमारी ज़िंदगी है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्हीं से ही ऑक्सीजन है और आप लोग सांस ले पा रहे हैं। ये नहीं होंगे तो समझ लीजिए फिर क्या हो सकता है, मतलब बहुत बुरी दशा हो सकती है। तो मेरा तो यह कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और अपने जो आसपास का पर्यावरण है उसे प्रदूषित होने से बचाएं। और ये काफ़ी लोग करते भी हैं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं तो ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मेरे आसपास जंगल ही जंगल है, मतलब पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं, जहाँ मैं खुलकर जीता हूँ, खुलकर सांस लेता हूँ और कह सकता हूँ खुलकर कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ। जी हाँ, अगर स्वस्थ वायु आपके पास है, प्रदूषित वायु से दूर है, तो आप अपने सेहत को स्वस्थ कह सकते हैं। तो दोस्तों, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपने जो जंगल के रूल हैं उस थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। वो थोड़े क्या, लगभग हम सब बताते ही रहते हैं। वो क्या है, जानवर से अगर आप, जैसे आप अगर उसे पसंद है आपको, आप देखना चाहते हैं जानवर को, तो आप सबसे पहले उससे बनाएंगे उचित दूरी, उचित दूरी बनाएंगे। और सबसे पहले आप उसका अधिकार देंगे, मतलब रास्ता पार करना है उसे, तो आप उसके रास्ता पार करने से पहले आप दूरी बनाकर रुक जाएं और उसे जाने दें, तो वह आपका सम्मान करेगा जैसे आप उसका सम्मान कर रहे हैं। सब बात संस्कार की होती है, जैसा संस्कार हम इंसानों में है वैसी हमसे ज़्यादा अच्छा संस्कार मैं कह सकता हूँ जानवरों में, तो वो चीज़ उसको फॉलो करते हैं। और मेरे ख्याल से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है उनके, उसमें भी ऐसे ही हम इंसानों में भी चलता रहा है और रहेगा। बस फ़र्क है कि आपको सीख कैसी मिली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक इंसान अच्छा हर एक इंसान बुरा, मैं किसी की अच्छाई और बुराई को नहीं देख रहा हूँ, कि अलग अलग तरह की सोच वाले इंसान होते हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमें जानवर दिख गया तो हम रुक जाते हैं, लेकिन काफ़ी गाड़ियाँ मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोज़ देखेंगे आप हमारी उठाकर देखेंगे तो काफ़ी गाड़ियाँ हैं ऐसी निकल जाती हैं, मतलब उसके दिल में कोई रहम या रिस्पेक्ट नहीं है जानवर के लिए कि हाँ ये अपना आप जाता है तो जाए, पहले मुझे जाना है। वो शहर की ज़िंदगी है, शहर में हर कोई अपना आगे निकलने की सोचता है कि ट्रैफिक जैम ना हो जाए, लाइट जो होती है मतलब ट्रैफिक लाइट ना लग जाए या फाटक ना हो जाए, वो सब जल्दबाजी में ज़िंदगी बीतती है शहरों में। जंगल की ज़िंदगी थोड़ी अलग है, तो उसको जंगल की तरह फॉलो करके ही जंगल में घूमें, इंजॉय करें, यही चीज़ है। बस आप लोगों से बातें थोड़ी शेयर हो जाती हैं, आप लोग भी हमें भी कुछ अच्छा सिखा देते हैं और हम भी कुछ आप बीती आप लोगों को बता देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पवलगढ़ चौकी पर पहुंच चुके हैं हम, और सामने देख लेते हैं ऐसी कोई जानवर पानी तो नहीं पी रहा, नहीं पी रहा, तो पानी का इलाका है, कभी भी कोई भी जानवर आ सकता है पानी पीने। तो मैंने वाइज़र लगा दिया है हेलमेट का, क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी चढ़ाई पर है तो आवाज़ तो आएगी थोड़ी सी साइलेंसर की, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना है और फोकस करना है जंगल पर। आप देखें जंगल कितना खूबसूरत है, ये समझ लीजिए आप लोगों के लिए ही आई है ये लाइट,
जैसे कि हमने कई बार बताया है कि करीबन अच्छी खासी महंगी लाइटें हैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए, और ऐसा नहीं है, दूसरा बेनिफिट हमें भी है कि रात हो जाती है तो सेफ्टी रहती है, थोड़ा उजाला रहता है ना, तो थोड़ा डर हटा रहता है। जब डर हटा रहेगा तो केयरफुली हम अपना गाड़ी पर चलाने में फोकस रखेंगे और सावधानी पूर्वक अपना घर पहुंचेंगे हम। देखने में रोड बहुत खाली सी लग रही है, आपको बहुत अच्छी प्यारी रोड लग रही होगी कि आप क्या शानदार रोड है, क्या सड़क है, लेकिन उतनी ही ख़तरनाक ही है। मैंने बोला ना किस मोड़ पर कौन सा जानवर है कुछ पता नहीं, तो अभी पता लग रहा है मैं बात कर रहा हूँ कोई जानवर दिख गया तो सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है, अगर ख़तरनाक जानवर दिखा तो लाइक एलिफेंट, ये सोचे भी नहीं मतलब बोलकर भी कि हाथी यहाँ नहीं मिलेगा, हाथी कहीं भी चढ़ सकता है, मैंने देखा है हर मोड़ पर सावधानी पूर्वक लाइट मारते हुए चल रहे हैं। लाइट भी अच्छी है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा अच्छा जंगल, तो बस आप लोग तो घर बैठे देखें हमारी जंगल का ये सफ़र, वो भी रोज़। जी हाँ, रोज़ जंगल का सफ़र आपको देखने में मिलता है हमारे द्वारा, और जंगल आप देखें कितना ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। कभी ना कभी तो मिलेगा, मैं तो नहीं कहता है कि रोज़ मिलेगी वाइल्ड लाइफ, कभी ना कभी तो हाथियों को ढूंढ या हाथी मिलेगा देखना पिछड़े। हाँ ये तो है, और लगभग अभी दोस्तों 9:30 बज गया होगा, आधा घंटा हो गया होगा ना, धीरे धीरे चलते हैं हम तो, हाँ इसलिए अपने आँख नाक कान, अभी तो फिलहाल हेलमेट लगा है तो कान तो मेरे कुछ भी वर्क नहीं करने वाले, मुझे तो गाड़ी की आवाज़ आएगी। हाँ थोड़ा काम कर सकती है तो सबसे ज़्यादा आँखें, उसके बाद नाक, उसके बाद कान, सबसे पहले देखेंगी तो आँखें देखेंगी। आप देखें ना लाइट में जंगल कितना हरा भरा और कितना प्यारा जंगल है यार, मज़ा आ जाता है देखकर। हाँ थोड़ा सा दिल में डर होना भी ज़रूरी है, कोई कितना भी बहादुर हो, कितना भी कुछ कहता हो, डर सबके मन में होता है। तो अब देखिए सीधी सड़क आ गई है, ये घास थोड़ी डर लगती है मेरे को देखने में इससे ना, ये जो घास देख रहे हैं आप ये थोड़ी सी रिस्की है, और सीधी सड़क है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब सीधी सड़क है तो थोड़ा बहुत बेनिफिट ये रहता है सीधी सड़क में कि जहाँ तक आपकी लाइट जा रही है वहाँ तक आप देख पाएंगे कोई भी वाइल्ड लाइफ। हम दूर तक की मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि आँखें चमकती हुई हमने दिखी है, और कुछ कभी हाथी कभी हिरण। तो जंगल तो होने जा रहा है समाप्त, और ये नाइट ड्राइव कैसी लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और देखिए वीडियो अगर यहाँ तक देख ली हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। जी जी हाँ, लाइक करेंगे आप तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए तो वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।